सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है ज्ञान तिवारी। इंसान अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा वक्त चुराकर खुद अपने लिए कहीं जीने के लिए चल देता है। अक्सर लोग किसी हिल स्टेशन को ही अपनी पहली पसंद में लाते हैं, जहां वो अपने परिवार के साथ जाए और सुकून के कुछ पल बिताए। बस एक अकेले शशांक को लग रहा था कि वो अपने काम की जगह से निकला तो दूसरे काम की जगह पर आ गया, पर कभी कभी दूसरी जगह उसके लिए मुसीबत भी बन सकती है। शशांक पेशे से एक पावर प्लांट इंजीनियर था, जिसका तबादला शिमला के एनटीपीसी गेस्ट हाउस में कर दिया गया था, और शशांक अब अपने पूरे परिवार के साथ उसी गेस्ट हाउस में शिफ्ट होने के लिए जा रहा था। गाड़ी घनी वादियों से होते हुए एक सुनसान रास्ते पर रुक जाती है। क्या हुआ शशांक? मुझे ऐसा लगता है नम्रता, जैसे मैं रास्ता भटक गया हूँ। शशांक अपने फोन का जीपीएस ऑन करता है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से जीपीएस काम नहीं करता। शशांक गाड़ी से उतरकर आगे जा रहे रास्ते को गौर से देखने लगता है। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता है, तो वो गाड़ी में वापस बैठकर गाड़ी को पीछे करने लगता है। जब शशांक गाड़ी पीछे कर रहा होता है तो साइड मिरर से उसे एक बूढ़ा आदमी आगे की ओर आता हुआ दिखाई देता है। शशांक गाड़ी का शीशा खोलकर उसे रोकने का इशारा करता है। वो आदमी उनकी गाड़ी के पास आकर रुकता है। क्या हुआ बाबूजी? मुझे रोकने की कोई खास वजह? नम्रता उस आदमी को बड़े गौर से देखती है और फिर वो अपने बेटे आद्विक को अपने पास खींच लेती है। देखिए, मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। रास्ता भटक गए हैं? कहाँ जाना था आपको? एनटीपीसी गेस्ट हाउस। एनटीपीसी गेस्ट हाउस, ये नाम सुनते ही उस बूढ़े आदमी के कान खड़े हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने उसके कानों में बिजली का जोर से झटका दिया हो। क्या आपको मालूम है उस जगह का रास्ता बाबा? शशांक के सवाल पर वो वापस होश में आ जाता है और उससे जिज्ञासावश पूछ बैठता है। पर आपको वहां क्यों जाना है? वहां तो सदियों से कोई नहीं गया। शशांक उसे बताता है कि उसकी पोस्टिंग करी गई है और शाम भी होने वाली है, इसीलिए उसे वहां जल्दी पहुंचना है। वह बूढ़ा आदमी पहले तो शशांक को वहां जाने से रोकता है, पर शशांक उसे फिर से जोर से डांटने लग जाता है। अंदर बैठी नम्रता को अजीब सा डर लगना शुरू हो जाता है कि तभी वह उस बूढ़े आदमी के मुंह से कुछ अजीब सुनती है जो उसे सदमे की तरह लगता है। उस घर में डायन का डेरा है बेटा, तू समझ जा मेरी बात, वरना इंसान अगर रोने के बाद पछतावा करे तो उसका रोना व्यर्थ होता है। शशांक ने उस बूढ़े आदमी की ओर गुस्से से देखा और उस पर चिल्लाने लगा। ए, तू पागल है क्या? हाँ, एक तो हम दिन भर के थके हैं, ऊपर से तू हमें और मत पका, बंद कर अपनी ये चुड़ैल डान की कहानी। शशांक वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और तेजी से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया कि इतने में वो बूढ़ा आदमी नम्रता की ओर आया और बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगा, इस बच्चे की खातिर वहां मत जा बेटा, ये मासूम बलि चढ़ जाएगा। वहाँ एक औरत थी जो अपना ही बच्चा मार कर खा गई, तब से वहाँ खौफ का घेरा है। ये सब सुनकर नम्रता के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। वो आदमी आगे बताने लगा, उस औरत की भूख आज तक नहीं मिटी है बेटा, जब भी कोई मासूम जान आती है तो वो वापस आ जाती है। नम्रता ने आद्विक को सीने से दबा लिया कि शशांक इतने में वहां से गाड़ी बढ़ाकर चल दिया। नम्रता खौफ में बैठी थी। इतने में शशांक का मोबाइल रिंग हुआ। शशांक ने फोन उठाकर देखा तो उसमें नेटवर्क आ गया था। जीपीएस की लोकेशन ने बताया कि गेस्ट हाउस सीधे जाकर ऊपर पहाड़ी में बना है। क्या हमें वहां जाना चाहिए शशांक? तुम बेकार में डर रही हो नम्रता, उसकी बातें काल्पनिक है, अरे इन लोगों का धंधा होता है। नम्रता के चेहरे पर डर था। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसे वहां आद्विक के साथ जाना चाहिए या नहीं, कहीं उस बूढ़े आदमी की बातों में सच्चाई तो नहीं थी। नम्रता इन्हीं सब बातों में उलझी हुई थी कि अचानक गाड़ी के ब्रेक्स लगे। नम्रता ने मुड़कर देखा
तो वो गेस्ट हाउस आ चुका था। शाम के 5 बजे थे। पहाड़ी में बना ये गेस्ट हाउस काफी आकर्षित कर देने वाला था। शीशों के साथ दरवाजे भी कांच के थे। हवा का बहाव चारों तरफ आ रहा था, ऐसी कि बहती हुई हवा की साए साए साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस गेस्ट हाउस में एक ड्राइंग रूम और 2 बड़े बड़े कमरे थे, और उसी गेस्ट हाउस के पीछे पहाड़ी में पड़े थे कुछ नरकंकाल। नम्रता ने गेस्ट हाउस को गौर से देखा कि इतने में शशांक पीछे से एक भारी सूटकेस लेकर आया और उसे रखकर अपनी जेब से चाबी निकाली और गेस्ट हाउस का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने बने शीशों पे अजब सी चमक पड़ी। नम्रता की गोद में आद्विक सो गया था। नम्रता धीरे धीरे अंदर आई और आते ही आद्विक को अंदर कमरे में लिटा दिया। नम्रता बाहर आई तो उसने देखा कि शशांक ने उस भारी से सूटकेस को साइड वाली दीवार पर टेक लगा दिया था। वह उसके पास आई और बोली, हमने यहाँ आकर ठीक तो किया ना शशांक। तुम अभी तक उस बूढ़े की बात दिल से लगाकर बैठी हो क्या नम्रता? अरे कल से मेरी यहाँ ज्वाइनिंग है, एक नई पोस्ट है। तुम्हें जहाँ मेरे लिए खुश होना चाहिए, तुम वहाँ उदास सा चेहरा लेकर मेरे सामने हो। ऐसी बात नहीं है शशांक, बस आद्विक की फिक्र है। उससे कुछ नहीं होगा, उसकी माँ जो उसके साथ है। इतना कहकर शशांक ने नम्रता को प्यार से गले लगा लिया और फिर दोनों ने मुड़कर सोते हुए आद्विक को देखा। उसे प्यारी नींद लेते देख दोनों मुस्कुराए और अंदर चल दिए। वह लोग भी काफी थके थे, तो लेटते ही कब उन्हें नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। शाम के 8 बज रहे थे। शशांक, नम्रता और आद्विक शिमला के मशहूर रोड पर घूमने निकले। शाम होते ही शिमला का माल रोड ऐसा सजा होता है जैसे दुनिया भर की सारी रंगीनियत वहां समा गई हो। दुकानों पर लगी जगमगाती लाइट्स, पहाड़ों पर से बरसती रोशनी, चारों तरफ एक खुशनुमा सा माहौल। घूमते घूमते आद्विक की नजर एक टॉय शॉप पे जाती है और उसे देखते ही वह खुशी से झूम उठता है और पापा पापा चिल्लाने लगता है। पापा पापा पापा, वो वहां चलो ना, खिलौने की दुकान पर। शशांक थकान में हाँ कर देता है और वो लोग वहां से चल पड़ते हैं। दुकान में तरह तरह के खिलौने देखकर आद्विक बहुत खुश हो जाता है और वो चारों तरफ घूमकर देखने लग जाता है कि तभी उसकी नजर एक बड़े से एरोप्लेन पर जा टिकती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। वो एरोप्लेन ऊपर एक डोरी से टंगा हुआ घूम रहा है। आद्विक ने एरोप्लेन की तरफ ऊपर अपनी उंगली उठाई और इशारा किया, पापा पापा मुझे यही वाला चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है ले लो। आद्विक एरोप्लेन पाकर खुशी से झूम उठता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें जाते हुए देख रहा है। एक घने पेड़ के पीछे से 2 आंखें उन्हें जाते हुए देख रही है। वह वही बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी ने घेरा बना रखा था। उसकी आंखों में डर था। अरे बच्चे को छोड़, अरे वो तेरा हमारा बच्चा है, छोड़ दे उसे। उस आदमी की आवाज में दर्द था। तू चला जा यहां से, मुझे अभी भूख लगी है और मैं ये बच्चा खाऊंगी। उसने जोर से अपने 11 साल के बच्चे के सर को अपने दोनों हाथों के बीच दबा लिया। अरे अरे तू पागल हो गई है क्या? कोई भला अपने बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? अरे थोड़ा तो रहम खा, क्या हो गया है तुझे? तू माँ है इसकी। माँ, माँ मुझे छोड़ दो माँ, डर लग रहा है। उस औरत ने नीचे देखा, सुर्ख सफेद आंखें, होठ से नुकीले दांत बाहर आने लगे। ए, डरता क्यों है? थोड़ी देर की तो बात है, जब मेरी भूख शांत हो जाएगी तो मैं तेरी माँ को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अलग ही खौफ था उसी 35 साल पहले हुई घटना का। उसके मन में एक अलग ही बात चल रही थी कि कहीं गेस्ट हाउस के पीछे बनी पहाड़ी पर पड़े नरकंकालों को सूंघकर वो वापस आ जाए और कहीं फिर से एक माँ अपने बेटे का शिकार ना कर ले। कहीं वो डायन हवा में उड़कर वापस उन नरकंकालों का भोग करने आई और उसने इस परिवार को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यह सब सोच के उसकी रूह सिहर उठी। नम्रता उठकर आद्विक को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आई और मेन हॉल में देखा।
उससे वो दंग रह गई। उसके सामने एक काली परछाई दीवार से टेक लगाकर घुटनों के बल बैठी थी। वो लगातार अपने दांत किटकिटाए जा रही थी। पास की खिड़की खोली थी, जिससे पीछे पड़े हुए नर कंकालों की बदबू उड़कर अंदर की ओर आ रही थी। तभी नम्रता की नजर अचानक ऊपर गई। एरोप्लेन वाला खिलौना ऊपर हवा में लटका हुआ है बिना किसी सहारे के। आद्विक एक तरफ डरा हुआ खड़ा है। वह डायन उठी और नम्रता की तरफ चीख पड़ी। सुर्ख सफेद आंखें, सूखा हुआ शरीर जिस पर काफी गंदगी है, उसका पूरा शरीर बदबू मार रहा है। नुकीले दांतों से अपनी जीभ को रगड़ते हुए वह आद्विक को देख रही थी। आद्विक के पास आते आते वह अचानक नम्रता की तरफ मुड़ी और उसे घूरने लगी। नम्रता की चीख शशांक के कानों में पड़ी तो उसने हड़बड़ी में बिस्तर छोड़ा और बाहर आया। शशांक घबराया हुआ बाहर आया। उसकी आंखों के सामने जो नजारा था वो डरा देने वाला था। सामने नम्रता खड़ी थी खुले बालों के साथ। उसकी आंखें सुर्ख सफेद थी, होठों से लार टपक रही थी और उसकी जीभ उसके नुकीले दांतों के बीच रगड़ रही थी। शशांक घबराया हुआ बोला, आद्विक! आद्विक उस डायन की पकड़ में था। वो रो रहा था मां मां करके। उसका सर उसके हाथों के नुकीले पंजों के बीच में फंसा था। वो डायन उसके सर पर कभी फूंक मारकर उसके बाल उड़ाती तो कभी उसके बालों को अपने नुकीले नुकीले नाखूनों से सहलाती। नम्रता!